Hello everyone, welcome back to my channel Sangya Beauty and Health. Hope you all are doing extremely well. So, आज मेरा रेसिपी है चिकन 65, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है. तो चलिए इसका रेसिपी देख लेते हैं. सो ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो जितना चिकन लिया हुआ है. मैंने यहाँ पे बोन वाला लिया हुआ है, आप बोनलेस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. पहले हमें इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करना पड़ेगा. यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन पेस्ट लिया हुआ है और 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबलस्पून जितना मैंने जीरा पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर लिया है और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया. यहाँ हम लोग कोई आर्टिफिशियल फूड कलर नहीं डालेंगे, इसलिए कश्मीरी रेड चिली हम लोग डालेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर हमें मिलेगा. अब ये सारे मसाला हमें चिकन के साथ मिला देना है. अब हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाना है. और हमें इसमें 3 टेबलस्पून जितना दही डालना है. ये दही डालने से इसका स्वाद काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनता है. सो ये दही वाला जो पार्ट है वो आप स्किप मत कीजिएगा. अब हमें एक अंडा लेना है. सो ये अंडा हमें इसमें डाल देना है. सो अंडा मिलाने से पहले हमें थोड़ा सा उसको फेंटना है, या फिर आप पहले भी किसी दूसरे बर्तन में फेंटना चाहते हैं फेंट सकते हैं. अब ये सारे मसालों को हमें अच्छे से चिकन में मिलाना है, ताकि इसका जो मैरिनेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चिकन 65 में. तो इंश्योर कीजिएगा कि अच्छे से आप ये मसाले को इस चिकन के साथ मिला लें, सो जाके इसका जो स्वाद है वो चिकन में पकड़ेगा. अब देखिए हमने मसाला बहुत अच्छे से इसमें मिला दिया है. अब हमें इसको रैप करना है और 1 से 2 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना है. अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत बढ़िया, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि चिकन जो है वो अच्छे से मसाला पकड़ लेगा. तो चलिए 2 घंटे के लिए हम लोग इसको फ्रिज में रख देते हैं. तो अब ये 2 घंटे के बाद हमने चिकन को निकाल लिया है फ्रिज में से फ्राई करने के लिए. सो फ्राई करने से पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर. अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून जितना मैदा और 1 टेबलस्पून जितना चावल का आटा लेके भी इसके साथ मिला सकते हो, तो उसमें भी सेम टेस्ट आएगा और वो भी क्रिस्पीनेस आपको देगा. सो मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको अच्छे से मैं अभी फिर से मैरिनेट कर रही हूँ. अब देखिए कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिल गया है. अब हमें क्या करना है, एक 1/2 नींबू लेना है और ये लेमन जूस हमें ये चिकन में अच्छे से मिलाना है. सो इससे एक टैंगी टेस्ट आ जाएगा, जिससे आपको ये चिकन 65 का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा. सो अब हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है. अभी हमें इस चिकन को फ्राई करना है, तो चलिए फ्राई करते हैं. सो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 2-3 हरी मिर्ची भी लिया है. जब हम फ्राई करेंगे चिकन, इसमें ये भी हम डालेंगे.
सो ये हमने गैस पे अभी ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। सो ये हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। सो अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब क्या करना है, जो हमने हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता लिया है वो हमें तेल में पहले फ्राई करना है, उसके ऊपर हमें चिकन डालना है, सो दैट वो जो कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची है उसका टेस्ट अच्छे से पकड़ेगा। अब हमें एक एक करके चिकन इसमें डालते जाना है। आप देखिए हमारा चिकन कितना अच्छे से पक चुका है एक साइड, अभी हमें इसे धीरे धीरे पलटना है सो दैट इसका सेकेंड साइड भी अच्छे से वो पक जाए। आप देखिए हमारा चिकन अच्छे से बन गया है, अब सर्व करने के लिए कम्प्लीटली रेडी है, तो चलिए हम सर्व करते हैं। सो ये देखिए हमारा चिकन 65 कम्प्लीटली रेडी है और कितना सुंदर दिख रहा है, उतना ही वो टेस्टी भी था। सो आप घर पे इसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा बना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, उससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।